मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। आइए जानते हैं आज की टॉप 10 खबरें। वायनाड भूस्खलन में हुई मौतों का आंकड़ा गया 400 पार, 152 लोग अभी भी हैं लापता। ताजमहल में पानी की बोतलें ले जाना हुआ प्रतिबंधित, टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया इसका विरोध। खेड़कर ने यूपीएससी द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में दी चुनौती, कहा उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश अभी तक उन्हें दिया ही नहीं। ओलंपिक से मेडल जीतकर लौटी मनु भाकर, दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया स्वागत। रेसलिंग के फाइनल में पहुंची भारतीय खिलाड़ी विनेश फोगट को ओलंपिक से कर दिया गया डिस्क्वालीफाई, ओवरवेट होने के कारण ये उठाया गया कदम। प्रकाश आंबेडकर का बड़ा बयान, कहा ओबीसी रिजर्वेशन को छीनने के खिलाफ है निजामी मराठा। नागपुर में हुआ आशा सेविकाओं का सम्मान, अनिल देशमुख ने किया सत्कार। नागपुर की इतवारी में खिलौने की दुकान में लगी आग, 3 हुए घायल। नागपुर में 15 वर्षीय लड़की का बलात्कार करने के आरोप में 2 आदमियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, एक को हुई 22 साल की जेल जबकि दूसरे को हुई 23 साल की जेल। नागपुर जिले के मौदा इलाके में हुआ ब्लास्ट, 2 की मौत, 8 हुए घायल।